प्रोबेबिलिटी के हम से क्यों उसपे नजर मार लेते हैं, सारी हमारी रिवीजन हो जाएगी इसी की बेस पे। अस्सलाम वालेकुम, आई फॉरगॉट। अच्छा अब देखो, इफ ए इज एन एम्प्टी सेट एंड एस इज अ सैम्पल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एस क्या होगी? 1 होगी। इफ 3 कॉइंस आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज 3/8। कॉइंस कितने थे? 3, और पॉसिबल इवेंट कितने थे? 8 थे, तो ये कितने आ गए? 3/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। द टर्म्स सैम्पल स्पेस इज यूज्ड फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक हो गया। अ कॉइन एंड डाई कैन थ्रो टुगेदर 12 वेज। एक कॉइन और एक डाई को इकट्ठे फेंकोगे तो 12 तरीकों से आप उन्हें उनके आप आंसर्स ले सकते हो। ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट इज एन इवेंट विच कंसिस्ट ऑफ 1 सैंपल पॉइंट। एलिमेंट्री इवेंट ऐसा है जिसका एक सैंपल पॉइंट होता है। द नंबर ऑफ वेज इन इट्स 4 बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। कितनी होंगी? 24 वेज होंगी। बुक्स कितनी है? 4। इस हिसाब से आप देख सकते हो इसको। अ सेट हैविंग 0 एज इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग 0 एज इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अच्छा अब C43 इज इक्वल टू 4। व्हेन टू कॉइंस आर टॉस सिमल्टेनियसली देन पी वन हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज 0.50, मतलब 50% चांसेस है। अच्छा वन फोर्थ परसेंट चांसेस हैं। अ मेजर ऑफ चांस दैट एन अनसर्टेन इवेंट विल अकर। आ प्रोबेबिलिटी। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, जब दोनों जो हैं वो एक साथ अकर हो अकर अगर दोनों एक साथ अकर हो सकते हैं तो वो होंगे क्या? होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों इवेंट एक दूसरे के साथ अकर नहीं हो सकते तो फिर होंगे वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है इससे शायद आपको समझ आया कि दोनों एक साथ अकर हो जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों इवेंट्स एक दूसरे के साथ अकर नहीं हो सकते, या तो एक पॉसिबल इवेंट होगा या फिर इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा भाई अब यहाँ पर है ये, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, मौजूद है यहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड आर तो 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। कार्ड्स कितने होते हैं मैंने आपको जो सेंड किए लास्ट वीडियो है उसमें देखिएगा, उस हिसाब से ये स्पेड कार्ड की भी यही है। अगर आप उन कार्ड उसको समझ लेंगे तो फिर ये सारा कुछ हो जाएगा। ये बहुत आसान एमसीक्यूज हैं, सारे इसी पर बेस्ड है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ठीक हो गया तो आप ये एमसीक्यूज बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून, और नोट्स ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, सो स्टे ट्यून।